हेलो स्टूडेंट, आज हम सेवन्थ लेसन स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1947 इज नोन एज द गांधी ईरा। इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है, इस नेशनल मूवमेंट में 1920 से लेकर 1947 का जो पीरियड है उसे गांधी ईरा नाम से जाना जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920 द रीजन्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वेंट इन टू द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी। 1920 में लोकमान्य तिलक की डेथ होने के बाद में नेशनल मूवमेंट के जो भी काम थे वो महात्मा गांधी जी के हाथ में चले गए। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द फ्रीडम मूवमेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। उन्होंने ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसे एक नई डायरेक्शन दी, और उनकी जो ये नई डायरेक्शन थी वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के तत्वों पर शुरू थी। ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव। और इस तरीके की महात्मा गांधी की इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप की वजह से ये नेशनल मूवमेंट कॉम्प्रिहेंसिव बन गई थी। दिस लीड टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी वजह से इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में एक नया ईरा शुरू हुआ, एक नया साल शुरू हुआ। रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893। महात्मा गांधी कुछ लीगल वर्क के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका में गए। साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। साउथ अफ्रीका ब्रिटिशों की कॉलोनी थी। मेनी इंडियंस हैड सेटल देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क। और इंडिया के बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में अपने बिजनेस की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से या फिर बाकी कुछ काम की वजह से सेटल हो चुके थे। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वेयर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स एंड ह्यूमिलिएटेड ऑल द टाइम्स। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उन्हें हर समय क्रिमिनल्स की तरह यहाँ पर उनके साथ में बर्ताव किया जाता था। इन 1906 द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट इट वॉज कंपल्सरी फॉर द ब्लैक्स टू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड एंड देयर फ्रीडम वॉज रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। उसके बाद में 1906 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स है, मीन्स जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, उन्हें हमेशा आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना पड़ेगा एंड देयर फ्रीडम वॉज रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। और उनकी जो फ्रीडम है उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल। तब गांधी जी ने, जब वो वहाँ पर गए थे, उन्होंने ये सब देखा और उसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए इंडियंस के ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इंडियंस को न्याय दिलाने की कोशिश की। गांधी जी अराइव्स इन इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके बाद में 9 जनवरी 1950 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए। एज सजेस्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले ही मेड अ टूर ऑफ द एंटायर नेशन। और जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सजेस्ट किया था, उन्होंने पूरे इंडिया को इंडिया में ट्रैवल किया, पूरे इंडिया की उन्होंने टूर की। ही बिकेम सैड लुकिंग एट द मिजरी एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। जब वो पूरे इंडिया में घूमे तब इंडिया की जो हालत थी, जिस तरीके से इंडियंस लोग दुखी थे, जिस तरीके से इंडियंस गरीब थे, ये सब देखकर वो बहुत दुखी हुए। ही टुक अप द ओ ऑफ सर्विस टू द नेशन। तब उन्होंने अपने नेशन के लिए काम करेंगे ऐसी कसम खाई। ही स्टेड एट द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रुक गए। ही फॉलोड अ न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह के मार्ग से शुरुआत की। फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ब्रॉट इन अ नॉवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। जो इंडिया की यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट थी, उस फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी ने सत्याग्रह की टेक्निक, ये एक नई आइडिया लाई थी। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज
थ्रू पेशेंस एंड सत्याग्रह एंड अनजस्ट पर्सन इज मेड अवेयर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस एंड ऑल्सो ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज व्यूज. सत्याग्रह का मेन ऑब्जेक्टिव था, सत्याग्रह इज थ्रू पेशेंस, यानी कि शांत रहना, शांति से, सहन शक्ति से सत्याग्रह के मार्ग पे चलना. एंड सत्याग्रह एंड अनजस्ट पर्सन इज मेड अवेयर ऑफ ट्रूथ. और जिस पर्सन को पता नहीं है कि वो दूसरों के साथ अन्याय कर रहा है, उस पर्सन को ये समझाना, उस पर्सन को ये अवेयर कर देना कि वो गलत है. एंड जस्टिस एंड ऑल्सो ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज व्यूज. उसे सच क्या है, झूठ क्या है, मीन्स अन्याय क्या है और न्याय क्या है, ये इस पर्सन को यहाँ पर समझाना और उसके विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना. अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स. और जो पर्सन यहाँ पर सत्याग्रह को फॉलो करता था वो कभी भी वायलेंस, अहिंसा और असत्य को एडॉप्ट नहीं करेगा. वॉज द टेक्निक ऑफ गांधी जी. वो कभी भी असत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलेगा, ये गांधी जी के टीचिंग थे. लेटर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीपल एडॉप्टेड द पाथ ऑफ सत्याग्रह. उसके बाद में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में सत्याग्रह का जो मार्ग था, जो रास्ता था, उसे ही एडॉप्ट किया गया. टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ पर न्याय हासिल करने के लिए सत्याग्रह का मार्ग एडॉप्ट किया गया. गांधी जीज पाथ ऑफ सत्याग्रह मेड ऑन इम्पैक्ट इन मार्टिन लूथर किंग हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका. गांधी जीज पाथ ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का जो सत्याग्रह का पाथ वो फॉलो कर रहे थे, इसकी वजह से मार्टिन लूथर किंग जो यहाँ पर अमेरिका में ब्लैक्स लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनके इस स्ट्रगल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. एज वेल एज ऑन नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका. उसके बाद में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो वहाँ के लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनके इस स्ट्रगल पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा. चंपारण्य सत्याग्रह. इन बिहार द फार्मर्स ऑफ चंपारण्य रीजन वेयर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो. बिहार में चंपारण्य रीजन जो था, उस चंपारण्य रीजन में रहने वाले फार्मर्स को इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था. द कल्टिवेटर्स सफर्ड इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स. ये जो कल्टिवेटर्स है उन्हें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ रहा था, क्योंकि जो यहाँ पर उन्हें प्लांटर्स थे उनसे उन्हें फिक्स ऐसा अमाउंट ही दिया जाता था. गांधी जी वेंट टू चंपारण्य इन 1917. गांधी जी 1917 में चंपारण्य में गए. ही ऑर्गेनाइज द फार्मर्स इन चंपारण्य एंड लॉन्च एग्रीटेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह. उन्होंने वहाँ के फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया, गांधी जी ने वहाँ के फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह के मार्ग को फॉलो करते हुए इस इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. गांधी जी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकेम सक्सेसफुल एंड द फार्मर्स वेयर गिवन जस्टिस. गांधी जी का सत्याग्रह के मार्ग पे चलते हुए जो फर्स्ट वार था इंडिपेंडेंस के लिए, वो सक्सेसफुल हुआ और यहाँ के फार्मर्स को न्याय मिला. खेड़ा सत्याग्रह. ड्यू टू कॉन्स्टेंट फेमिनाइंस इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात द क्रॉप हैड फेल्ड. गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टेंट फेमाइन आने की वजह से वहाँ के क्रॉप खराब हो गए थे, फेल हो गए थे. स्टिल लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट क्रॉप्स फेल होने के बावजूद भी फार्मर्स से फोर्स करके लैंड टैक्स कलेक्ट कर रहे थे. गांधी जी सजेस्टेड दैट द फार्मर शुड रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स. तब गांधी जी ने वहाँ के फार्मर्स को टैक्स देने से रिफ्यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया. द फार्मर्स बिगैन द मूवमेंट फॉर स्कार्पिंग ऑफ टैक्स एट खेड़ा इन 1918. और 1918 में खेड़ा में वहाँ के फार्मर्स ने टैक्स न भरने के लिए मूवमेंट शुरू की. गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट. इस मोमेंट की लीडरशिप गांधी जी ने एक्सेप्ट की. विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स. और बहुत ही कम समय में यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो टैक्स है उसे सस्पेंड कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया.
वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वॉज ग्रेट इन्फ्लेशन. फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया था. मिल वर्कर्स डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी. मिल वर्कर्स यहाँ पर सैलरी के लिए सैलरी को बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे. बट द मिल ओनर्स रिजेक्टेड दिस डिमांड. लेकिन मिल ओनर्स ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट किया. एज पर गांधी जी एडवाइस द वर्कर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक. और इसीलिए वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी जी के एडवाइस पर उपोषण हंगर स्ट्राइक में कुछ भी न खाने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू किया. फाइनली द मिल ओनर्स हैड टू बैक ऑफ एंड द सैलरी ऑफ वर्कर्स वाज इंक्रीज्ड. और इसीलिए इनके इस उपोषण की वजह से मिल वर्कर्स को हार माननी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर वर्कर्स की मिल ओनर्स को हार माननी पड़ी और उन्होंने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट.